आज भी जेवर टोल पे जो किसान बैठे थे उनके बीच बैठ के ही मैं आ रहा हूँ। किसानों ने अपनी संसद भी चलाई और 8 महीने से बैठे भी हैं और 600 से ज़्यादा किसान कुर्बान भी, लेकिन संसद में सरकार कहती है कि कोई भी किसान इस आंदोलन में शहीद नहीं हुआ। जिस तरह से सरकार मानती है कि कोई ऑक्सीजन की कमी से उत्तर प्रदेश में मारा नहीं गया, तो सरकार तो अपना पक्ष रख ही रही है। अगर सरकार जनता की होती, संवेदनशील होती, किसानों की होती, तो अब तक हल निकल गया होता। लेकिन इनकी जिद है, मोदी जी कभी गलत कर नहीं सकते, अपनी गलती मान नहीं सकते, पीछे हट नहीं सकते, जनता के आगे झुक नहीं सकते। भाजपा जगह जगह पंचायत कर रही है, क्या कहेंगे इसमें? उनके पंचायत नहीं, पंचायत तब होती जब सामूहिक उसमें योगदान जनता का हो और कोई ना कोई निष्कर्ष या निर्णय जनता के हित का लिया जाए, उसे कहा जाता है पंचायत। ये जो कर रहे हैं ये तो अपने कार्यक्रम है, ये तो सरकारी कार्यक्रम है, सरकार इनकी है तो काम करेंगे अपना। खेलकूद के पुरस्कार पर नाम चेंज कर दिया, पहले राजू गांधी साहब ध्यानचंद कर दिया। ठीक है, ध्यानचंद जी एक ऐसी फिगर है, पर्सनैलिटी उनकी थी और जो हिटलर के आगे भी जिन्होंने सल्यूट नहीं मारा, तो ऐसी शख्सियत की को सम्मान मिलना चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए। प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत खराब है, क्या कहेंगे? कानून है, व्यवस्था नहीं। आज हम बैठे हैं, मैं इसलिए आया हूँ कि बहुत पीड़ा सहन करी है क्षेत्र के लोगों ने, और जो हमारे परिवार के बड़े अहम जिम्मेदार सदस्य रहे, योगेश मेरे साथ बैठे हैं, अभी न्याय की प्रणाली चालू है और हमारा पूरा विश्वास है उस पर कि देर सवेर न्याय उससे मिलेगा। लेकिन एक राजनीतिक साजिश के तहत लोगों को फंसाया गया, बहुत निर्दोष लोग, बुजुर्ग लोग, 75 साल से उम्र से ज़्यादा उनकी उम्र हो रही है, सरकार ये कह रही है कि उपद्रवी है। तो कभी कभी प्रताड़ित होते हैं नागरिक और सहनशीलता उनमें होनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, और ये मजबूत हैं, इनके साथ जो लोग और लोग फंसे हैं उस मामले में वह भी मजबूत हैं। यही कहना है कि अभी जो मैंने बताया, योगेश मजबूत हैं, सहन कर रहे हैं, जनता के हित के लिए वो कार्य कर रहे हैं और आगे भी उसी तरह से उनको करना है। जिले में नया कदम पार्टी का संगठन बनाया है, हर बूथ जीतेगा यूथ, इस नारे को लेकर मैं चाहता हूँ कि बूथ की इकाई हम मजबूत करें। पूरे प्रदेश में 2 कार्यक्रम अभी संचालित हैं, एक है भाईचारा जिंदाबाद, जिसका मतलब ये है कि जिस तरह चौधरी चरण सिंह जी के साथ हर जाति और कम्युनिटी का आदमी चला करता था, आज फिर वक्त आ गया है कि हम सबको जोड़ें।